पूरे नतीजे इस बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और दिल्ली में पहले भी हम लड़ाई लड़े, जो हमारी इच्छुक है चुनाव के अंदर अग्निपथ को वापस करवाना, किसानों के मुद्दे, यह राजस्थान के जो मुद्दे थे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इनको लेकर हम सड़कों पर निकलेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोग, ये जो यहाँ कमी रही है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव करने में भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करेंगे कि 25-0 यहाँ पे करते हैं, बीजेपी को 25 सीटें हराए जा रहे हैं। जिस तरह से लो मार्जिन मुकाबला रहा, क्या चलता रहता है? ये आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, सातवीं जीत है लगातार, 13 फिर 14 लोकसभा में चुनाव में जवान जब कर रही थी, 15 18 फिर 19 फिर छोटा भाई 19 और फिर ये राजस्थान में सबसे मजबूत अगर इलाका है, मजबूत जनता है, मजबूत उन्होंने साबित किया कि हमारे नेता को ठीक है, छोटा मोटा बीच में आगे पीछे होते रहे, लेकिन मजबूती में सर्व समाज जब होता है, वोटों का ध्रुवीकरण जिस हिसाब से होना था वो वोट एक जगह पड़ गया। और यदि बीजेपी के प्रत्याशी वोट नहीं, नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस से लेकर जितने भी आज तक के 50 साल में मेरे परिवार था, कहीं ना कहीं जिनको सब लोग और हमारे ही पाड़े से जाके तो 7-8 हज़ार वोट जो मेरे साथ आते थे 7-8 हज़ार वोट खराब, और चूंकि मैं खुद ही राज्य नहीं उठा ठीक है, और छोटा भाई नारायण और पूरी टीम है, अगली बार लोगों का मन में ये करीब 15 जगह ऐसे थे लोगों के इलाज के जिन्होंने सोचा नहीं, जो कहते हम कभी नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव हनुमान जी में लड़ेंगे, इसका और कौन लड़ेगा, क्या हम ही लड़ेंगे। अरे बोलो ना, मर गए क्या हनुमान।